हेलो गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटीज़ की लिस्ट बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है और कौन कौन सी नहीं पढ़नी है। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। ये जितनी भी बुक्स है ये इंग्लिश मीडियम में हैं, बट इसको आप हिंदी मीडियम में लेंगे तो भी ये सेम फॉर्मेट रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपको एक साइट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा जिसका नाम डाइड एमी है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जितने भी बुक्स आपको दिखाने वाला हूँ उन सब के शॉर्ट नोट्स उस साइट के ऊपर आपको अवेलेबल मिलेंगे। मानो आपने कोई बुक्स पढ़ी और वो आपको आपको लग रहा है कि इसके अंदर से कुछ आपका मिस हो गया है टॉपिक, देन आप उन नोट्स को पढ़ के आपका वापस से रिविजन कर सकते हैं और वो टू द पॉइंट होगी। देन आपको ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। और इस साइट के ऊपर आपको रोजाना के फ्री MCQ भी मिलेंगे जिसके माध्यम से आप आपकी तैयारी को और भी बढ़िया बना सकते हैं। लिंक दे रखी है, जाइए और विजिट कीजिए। क्लास 12th ज्योग्राफी बुक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, क्लास 12th के लिए ये बुक आएगी। 12th ये दो पार्टों में आती है। क्लास 12th के अंदर ये एक ये बुक आती है और इसके साथ में जो क्लास 12th की एक और बुक आती है जिसका नाम है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, ये क्लास 12th की ये भी ज्योग्राफी की बुक है। उसके बाद में ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th की बुक आएगी इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, ये क्लास 11th की आएगी। इसके साथ में एक प्रैक्टिकल बुक आती है जिसको लाने की कोई नीड नहीं है। क्लास 10th के लिए कंटेम्प्रेरी इंडिया 2, ये क्लास 10th की बुक आएगी ज्योग्राफी के लिए। ये दो पार्ट में आती है, एक 9th की होगी जो कि इसका फर्स्ट पार्ट होगी कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, ये क्लास 9th की बुक होगी। इसके बाद में क्लास 8th के लिए जो बुक है उसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये क्लास 8th के लिए ज्योग्राफी की बुक है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसके बाद में क्लास 7th की जो बुक आती है उसका नाम है अवर एनवायरमेंट, ये क्लास 7th के लिए ज्योग्राफी की बुक आएगी। और एक क्लास 6th के लिए बुक आती है जिसका नाम है द अर्थ अवर हैबिट्स, ये क्लास 6th की बुक है। ज्योग्राफी की बुक्स यहाँ पे कंप्लीट होती है। फॉर आर्ट एंड कल्चर के लिए हमारे पास में दो बुकें होती है, क्लास 11th के लिए इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये क्लास 11th की बुक आएगी आर्ट एंड कल्चर के लिए। एक क्लास 12th की बुक आती है एक्सप्लोरिंग द क्राफ्ट्स ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, ये क्लास 12th की बुक आएगी आर्ट एंड कल्चर के लिए, और आर्ट एंड कल्चर के लिए मटेरियल इनफ है। सोसाइटी के लिए एनसीईआरटीज क्लास 11th की एनसीईआरटीज का नाम है इंट्रोडक्शन सोसाइटी, क्लास 11th की है ये एक पार्ट में। इसमें दो बुक्स आती है, ये एक बुक्स है, इसके साथ में और भी बुक्स आएगी। ये क्लास 12th की सोसाइटी की बुक है जिसका नाम है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, क्लास 12th की एक बुक है। क्लास 12th की यही सोसाइटी की बुक है इंडियन सोसाइटी, क्लास 12th की बुक है। और एक 11th की और ये बुक साथ में आती है सोशियोलॉजी या सोसाइटी के लिए हम कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, क्लास 11th की। सोशियोलॉजी के लिए मटेरियल इतना काफ़ी है। फॉर इंडियन हिस्ट्री आपको ओल्ड और न्यू दोनों खरीदनी पड़ेगी। ओल्ड के अंदर आपको 11th और 12th दोनों को लानी पड़ेगी, ज़्यादा बाकी लाने की जरूरत नहीं है, बाकी सब में आप न्यू एनसीईआरटीज को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये क्लास 12th की बुक आएगी मॉडर्न इंडिया के लिए, विपिन चंद्रा के द्वारा लिखी हुई बुक होती है। क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटीज जतीश चंद्रा के द्वारा लिखी हुई बुक है, ये क्लास 11th की बुक है। फ्रेंड्स, अगर आप मेडिवल इंडिया के लिए आप इस बुक को प्रिपेयर करते हैं देन मैं आपको कहूँगा कि आपको कोई भी रेफरेंस बुक लाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो रेफरेंस बुक आती है वो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं ऑथर के द्वारा लिखी हुई होती है। सो कंटेंट सेम होता है, सो आपको लाने की नीड नहीं रहेगी। सो आप इसी के ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं जो सतीश चंद्रा के द्वारा ये एनसीईआरटी लिखी हुई होती है। ये दोस्तों एंशिएंट इंडिया के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटीज अगर आप खरीदते हैं देन आपको किसी भी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटीज जो लिखी हुई है ये काफ़ी अच्छी तरीके से लिखी हुई है, सो आपको रेफरेंस बुक की नीड नहीं रहेगी। ये ओल्ड एनसीईआरटीज है। आप अगर ओल्ड एनसीईआरटीज ये आप अगर लाते हो, ये आर एस शर्मा के द्वारा लिखी हुई बुक है, अगर आप इसको प्रेफर करते हो तो आप तमिलनाडु बुक को मत कीजिएगा, बट अगर आप तमिलनाडु को करते हो तो आप इसको मत कीजिएगा, ठीक है। दोनों में से आप किसी एक को खरीद सकते हैं। ये तमिलनाडु बोर्ड की बुक आएगी एंशिएंट इंडिया के लिए, क्लास 11th की बुक आएगी, एंशिएंट इंडिया की बुक आएगी। फ्रेंड्स, न्यू हिस्ट्री में क्लास 12th में तीन बुक्स आती है हिस्ट्री के लिए, जिसके अंदर ये जो पार्ट थर्ड है ये मॉडर्न इंडिया के लिए आएगा, जिसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट थर्ड। पार्ट सेकंड आएगा ये मेडिवल इंडिया के लिए आएगा। और पार्ट जो फर्स्ट आएगा वो एंशिएंट इंडिया के लिए आएगा। ये क्लास 12th की तीन बुक्स होती है। क्लास 11th की जो बुक है वो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए है, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, ये क्लास 11th की बुक है। क्लास 10th में जो बुक आएगी उसका नाम है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड,
ये जो बुक आएगी ये क्लास ट्वेल्थ की आएगी, ये दो पार्ट में होती है, एक नाइन्थ में होती है जो इसका पार्ट फर्स्ट होता है, ये पार्ट सेकंड है, वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है, नाइन्थ और टेंथ दोनों वर्ल्ड हिस्ट्री में आएगी। ये नाइन्थ की जो बुक है इसका नाम है इंडियन एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट फर्स्ट, ये नाइन्थ की बुक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कही जाएगी। क्लास एट्थ की बुक है और पास्ट थर्ड, क्लास एट्थ की बुक है, ये मॉडर्न इंडिया के लिए होती है, ये तीन पार्टों में होती है, सिक्स सेवन्थ एट्थ में, ये जो थर्ड पार्ट है ये क्लास एट्थ में आएगा। ये जो सेकंड पार्ट है ये मेडिवल इंडिया के लिए हम कह सकते हैं, और ये क्लास सेवन्थ में आएगा, और पास्ट सेकंड, क्लास सेवन्थ की बुक है। क्लास सिक्स के लिए जो बुक आएगी वो है और पास्ट फर्स्ट। हिस्ट्री का ये जितना भी मटेरियल मैंने आपको बताया है ये लगभग कंप्लीट हो जाता है। क्लास ट्वेल्थ के लिए जो पॉलिटिकल साइंस की जो बुक आएगी उसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये क्लास ट्वेल्थ की बुक आएगी। क्लास ट्वेल्थ में दो बुक्स आती है, एक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये क्लास ट्वेल्थ की बुक होगी। क्लास इलेवंथ में जो बुक्स आती है उसके में अंदर भी दो बुक्स होगी, एक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एट वर्क और दूसरी का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, ये क्लास इलेवंथ की बुक होगी, इलेवंथ में दो बुक्स होती है। क्लास टेंथ में जो पॉलिटिकल साइंस की बुक आएगी उसका नाम है डेमोक्रेटिक्स पॉलिटिक्स पार्ट सेकेंड, ये क्लास टेंथ की बुक है। और क्लास नाइन्थ की जो बुक है उसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट फर्स्ट, ये क्लास नाइन्थ की बुक है। क्लास एट्थ की जो बुक है उसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट थर्ड, सेवन्थ की बुक का नाम है सोशल पॉलिटिकल लाइफ पार्ट सेकेंड, और सिक्स की बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट फर्स्ट। ये सब बुक्स पॉलिटिकल साइंस के लिए है और पॉलिटिकल साइंस का मटेरियल ये इनफ है। इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी में जो बुक्स आएगी क्लास ट्वेल्थ में, जिस बुक आएगी उसका नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्लास ट्वेल्थ की बुक आएगी। इसके अंदर एक और पार्ट आएगा जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्लास ट्वेल्थ की बुक आएगी। क्लास इलेवंथ में जो बुक्स आएगी उसके अंदर भी दो पार्ट्स के अंदर क्लास इलेवंथ की बुक आएगी, उसके अंदर एक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दूसरी का नाम है स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये क्लास इलेवंथ की बुक्स आएगी। क्लास नाइन्थ में जो इकोनॉमिक्स आएगी उसका नाम है इकोनॉमिक्स के नाम से ये बुक आएगी, और क्लास टेंथ में जो बुक आएगी उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स की कंप्लीट एनसीईआरटी होती हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, साइंस और टेक के लिए आप नाइन्थ और टेंथ को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बीएस वीक है तो आप सिक्स और सेवन्थ को भी पढ़ सकते हैं आप। और इन्वायरमेंट साइंस के लिए आप बायोलॉजी की जो क्लास ट्वेल्थ की बुक है उसमें बायोलॉजी की लास्ट के चार चैप्टर है उनको आप पढ़ेंगे तो आपके बायोलॉजी का पोर्शन कवर हो जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बता दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू वेरी मच।